दूसरा जो स्टॉक्स है उसका नाम है किर्लोस्कर फेरस लिमिटेड, राइट। उसका चार्ट्स में आपको क्या है कि वीकली चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको क्लियरली दिखेगा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक्स में। एंड और अभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है वो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप वॉल्यूम वॉल्यूम भी देख सकते हो साथ में, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी एक ज्यादा आपको दिखाई देगा इस रेंज में। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो इस जगह पे वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे रेंज ब्रेक कर चुका है, जो ये रेंज थी 315 की वो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो 300 से लेके 330 की रेंज एक अच्छी रेंज है जहाँ पे एक्यूमुलेशन बन सकता है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 290 से नीचे यहाँ पे वीक हो जाएगा। एंड काफी अच्छा यहाँ पे 440 450 तक ये मूव होता हुआ आपको दिख सकता है। ये थोड़ा सा होराइजन आपको लंबा रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो चार्ट काफी अच्छा है, वॉल्यूम भी सही है, तो आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये था दूसरा स्टॉक्स। जैसे अभी आपने देखा किर्लोस्कर फेरस का, कि यहाँ पे मैंने शेयर करा था आपको अराउंड दी 330 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड आप इस रेंज के आसपास आप देखेंगे यहाँ पे, तो 300 तक ये वापिस 300 तक आया था। तो उस टाइम 330 के आसपास बोला था। एंड अभी आप देख रहे हो ट्रेड कर रहा है 424 के आसपास, एंड बोला था 440 450 का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन 30% का आपको यहाँ पे गेन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, दिसंबर में शेयर करा था एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ, राइट, 3 मंथ हुए भी नहीं है कंप्लीट। तो 2.5 मंथ में ऑलमोस्ट 30% रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, यू नीड टू फॉलो द रिस्क ऑल्सो, कि गलत हो जाए तो वहां पे आपको बुक कर लेना है। अगर यहाँ पे अपर साइड चल रहा है तो आप उसको कैरी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कि ये किस तरह से यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दिया। तो एक अपडेट आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने ये चार्ट शेयर करा है कि किस तरह से ये वर्क करता है, ताकि आप खुद भी ये फाइंड आउट करें एंड इस तरह से आप ट्रेड इनिशिएट कर पाए। तो आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। तो बस यही पर्पस था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।